नमस्कार, मैं रेणुका, लिम्रा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोदी, मीडिया और मुसलमान। जी हाँ, क्या फर्क पड़ता है जो लोग चौकीदार चोर कहें, क्या फर्क पड़ता है जो लोग फेकू चाचा कहकर पुकारें। किसी ने खूब कहा है कि क्या बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। यह मुहावरा राजनीति के लिए एकदम सटीक बैठता है। लोग बदनाम करें और कहते रहे तो समझो तुम्हारा नाम हो रहा है, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारी प्रगति हो रही है। जी हाँ, अच्छा है और होना भी चाहिए, मगर अगर यदि हद से गुजर जाए और जनता की जुबान से निकलते गए तो समझ लेना कि अब अति हो चुकी है और अब बस, क्योंकि कल की आवाज़ को नकारे खुदा समझो। पिछले 5 वर्षों में दलितों पर अत्याचार किए गए, जगह जगह अल्पसंख्यकों को जम कर निशाना बनाया गया है, कहीं गाय के नाम पर तो कहीं गोश्त के नाम पर। ऐसा नहीं है कि इसके पहले कुछ भी नहीं हुआ, मगर इन 5 वर्षों में ग्राफ इतना बच्चा बड़ा कि लोग त्रहिमा त्रहिमा कहने लगे। कईयों ने अपने पदक, इनाम और उपाधियां तक सरकार को लौटा दी। पढ़े लिखे और समझदार लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। धर्म जाति से उठकर धर्म निरपेक्ष लोगों ने इस पर कड़ा विरोध जताया। धन्य है सरकार, नहीं जी भाजपा सरकार, जिसने ऐसे दिन प्रतिदिन बिगड़ते और कानून से खिलवाड़ करते सड़कों और हजारों की उम्मीदों भीड़ को लगाम लगाने के नियंत्रण करने के उपाय नहीं किए। भला हो चौकीदार का जिसने अपना मुखमंडल को बंद रखा। क्या होता है अगर हमारे चौकीदार ने उसे रोकने का प्रयत्न किया होता? क्या होता अगर समय पर 4 शब्द बोल देते? क्या यह अच्छा होता अगर सड़कों और गलियां, गांव और कस्बों की उम्मीदी भीड़ को उचित समय पर रोक देते? एक संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति किसी एक धर्म, जाति और समाज का अकेला कैसे हो सकता है? यदि उसने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अपने दामन पर चुपचाप तमाशाई बनकर लगाने से बचा लिया होता तो कहीं निहाय प्राणियों की जान बच जाती और आने वाले कल को ऐसी बला मुसीबतों से महफूज कर देता तो उसका क्या बिगड़ जाता। सचमुच भारत से हटकर नजर जैसे ही पीछे की और जाति जाति है जो गुजरात दिखाई देता है, गुजरात के दंगे याद आते हैं, तब चौकीदार भारत के नहीं बल्कि सिर्फ गुजरात के चौकीदार रहते। नरोद पटिया, गुर्ब सोसाइटी जैसे अनेक घाव दिखाई पड़ते हैं जिनकी जांच पड़ताल और कोर्ट कचहरी के बीच सिकते और बिलखते परिवार का दर्द छुपा हुआ है। दोस्तों, जांच कमेटी और रिपोर्ट और अदालत से भले ही चौकीदार उनके विश्वास पात्र को क्लीन चिट मिल गई हो, इसका मतलब यह नहीं होता कि वह अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भी पल्ला छाड़ ले। गुजरात के पोस्टर बाय केंद्र की राजनीति में पहुंचे और मीडिया को बस में कर लिया। जाहिर है मीडिया जो दिखाएगा वही लोग देखेंगे और सुनेंगे। आज भी यही हो रहा है। विकास का जोरदार नारा पूरी तरह फ्लॉप हो गया। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है। नोटबंदी के मार ने जनता को कहीं का नहीं छोड़ा। जीएसटी के निचले दर्ज के कारोबारी परेशान हैं। इसके बावजूद चौकीदार और अनेक उनके चाहने वाले बड़ा अमीबा और अगले 5 सालों तक चौकीदार करने के ताल ठोक रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में सबका साथ सबका विकास के चक्कर में कांग्रेस ने बेजार जनता, खासकर अल्पसंख्यक समाज ने, मुस्लिम समाज ने भाजपा को 15 से 25% तक वोट दिया। यह बात है कि इस बात का कोई उल्लेख भाजपा ने स्वयं कभी नहीं किया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय बीबीसी हिंदी एक के बाद कई रिपोर्ट आई थी और इस बात ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए खुलासा सामने आया था। भाजपा इस बात से इनकार कर रहे या उसके चाहने वाले तर्क वितर्क करें, यह बात और है। अंग्रेजों का शासन करने का सबसे बड़ा और घातक हथियार डिवाइडेड एंड रूल रहा। कांग्रेस ने इसका कितना अनुसरण किया यह आप तय कर साथ ही समझ सकते हैं। भाजपा ने शासन तक पहुंचने भी इसको विकास कदर इस्तेमाल किया। आज देश का धर्म और जाति के नाम पर बांट दिया गया है।
सदियों से साथ मिलजुल कर रहने वाले आज बेरी बन गए, एक दूसरे के खून के पैसे हो गए। यह आग किसने लगाई और इसे दवा देकर किसने भड़काया? यह गंदा राजनीतिक खेल अब बंद हो जाना चाहिए, और इसे बंद भी हमें और आपको ही करना होगा। यह उचित समय है, अब जनता इसका मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। इसीलिए जागो इंडिया जागो, आके बंद करके पीछे पीछे मत भागो। अच्छा वोट एक अच्छा नेता चुनकर आ सकता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके